आप बारह जी जी गद्दी पहले भी तो वहाँ भी तो किसी गद्दी पे गए हो आप लड़का कौन है जो परेशान है नीनी जिंदा है कौन है लड़का बेटा है तेरा बेटा भी नहीं करता बेटी बेटा है देवर है 35-36 साल का है ना लड़ाई झगड़ा अजीब सी हरकतें है ना मारपीट आई है चोरियां भी हो रही हैं घर में चीजें पैसे उठा के ले जाता है चीजें उठा के बेच देता है इल्जाम दूसरों पे लगते हैं ये अच्छा पहले ये बताओ अपने घर की बताओ पहले ये मार पिटाइयां ये ऐसे क्यों हो रहा है कि आज मर जाओ कल मर जाओ नाम बता बेटा जीत कौर पति का नाम हरदीप सिंह गांव अमृतसर प्रॉपर अमृतसर या गांव है कौन सा अमृतसर फतेहगढ़ जूड़िया हरदीप नाम और आपका नाम बेटा जी कौन से भगत के पास जाकर के घर में भूत प्रेतों की सेना भर रखी है ये बताओ मुझे कुछ भी तो ठीक नहीं है घर में जिसके पास परेशानी की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है घर में अजीब अजीब सी हरकतें हैं काम धंधा बिल्कुल नहीं है लड़ाई झगड़ा है नुकसान है चीख चिल्लाट रहती है और मतलब शांति है ही नहीं घर में यही हो रहा है ना बाबू कोई भी काम नहीं मिल रहा रिश्ते रिश्तों में भी दिक्कत हो रही है घर में कितने आते हैं मना हो जाता है ना ये कौन सा भगत था बाबू जी जिसके यहाँ तुम गए थे लंबा लंबा सा मुंह था उसका घर में हालत पैसे भी दिए थे काम कराने के लिए कहीं पे हालत खराब कर रखी है बेटा जी घर काम तो जब बने जब घर में कुछ हो घर में तो चीजें और घूम रही है हाल फिलहाल में नहीं हुआ 3 साल हो गए जिसको कहते मरते मरते बचते हैं पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं छोटे मोटे पहले तो मेरे ही था छत्ते से भी कोई गिरता बचा जैसे कमर के बल गिर जाता है गिरा है तू परिवार में कोई गिरा है पैरों पर चीजें घर से निकलती हुई दिखेंगी तुम्हें तो नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे वैसे और बोलो जो मैंने कहा ये करती मुझे ठीक है बेटा क्योंकि वो जिसके यहाँ से इन्होंने करवाया है वो भैरव की ही सेवा करते हैं इसने करवाया हुआ है चलो ये करती मुझे 11 दिन के बाद आना जब तक तुम्हें चीजें भी घर से बाहर निकलती दिखेंगी घर में फायदा भी पता लगेगा और बताओ उसकी चाची है जो बाबूजी खुद घर में भगत से करवाया हुआ है और घर में तुम सभी इकट्ठे ही रहते हो ना हाँ तो मैंने बोला तो कि घर भर रखा है पूरा जो मैंने कहा वो करो और इस बीच में जो कोई बीमार हो जाए ना ये समझ लेना कि उसका बहुत ज्यादा हद था इस चीज में क्योंकि जब कोई मैं चीज निकालूंगी तो उस पर असर छोड़ेगी जो लाया था ध्यान देना इस चीज पे लेकिन उसको बोलना मत ठीक है ये दीपक माता जी सुबह से शाम तक शाम को दिन छिपने के बाद 6-7 बजे के बाद कोई बात नहीं कभी ऐसा होता है कभी कभी वही परीक्षा लेती है बिल्कुल ही मन नहीं होता करने का देखने का भी मन नहीं होता कोई बात नहीं उसमें 2-3 दिन का गैप दे सकते हो नहीं तो आप अगर आपका मन है उसको करने का तो आजकल मोबाइल के अवेलेबल है सुन लो चला के छोड़ दो तब तक पढ़ लो किताब को हाथ में मोबाइल में ठीक है बस मोबाइल में तो करो चल बेटा आ गया